हेलो स्टूडेंट आई एम शोभा पेटवाल फ्रॉम श्रीमती एल पी सवानी विद्या भवन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर टू हम भी बने महान हम भी बने महान कि हम भी ऐसे काम करें जिससे हम महान बने हम ग्रेट बने लोग हमको याद रखें तो ये चैप्टर में अलग अलग घटनाएं दी गई है हम पढ़ेंगे सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन प्रामाणिकता मानवता अविरल अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है कि सीधे साधे कार्य जो सिंपल काम है और जो घटना है इवेंट है उसमें कर्तव्य पालन व रिस्पॉन्सिबिलिटी को से निभाए प्रामाणिकता कि वो काम को एकदम अपने नियमों को सही अनुशासन के साथ में करें मानवता इंसानियत रखते हुए अविरल अभ्यास और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए आदि तत्व ही सारी जो चीजें जुड़ने पर कार्य और करता जो कार्य है जो काम है और करता जो उसको करने वाला दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद गोपाल कृष्ण गोखले सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टव्य होते हैं यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा प्यूस है ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं बुनियादी गुण मतलब जिस प्रकार को इमारत की बुनियाद उसकी नींव होती है उसी प्रकार से इंसान के अंदर उसके जो अच्छे गुण है वो उसके बुनियादी गुण होते हैं कि वो उस कैसी भी परिस्थितियों उन गुणों को नहीं छोड़े और हमारे जीवन के लिए प्रेरणा प्यूस ये गुण है यही हमारे जीवन के लिए प्रेरणा प्यूस हमको प्रेरणा देने वाले प्यूस जिस प्रकार से प्यूस ग्रंथि ट्यूटरी ग्लैंड करके जो हमारे माइंड में ग्रंथि होती है मटर के दाने जैसी जिस प्रकार से वो सारे हार्मोन्स को मैनेज करके सारे हमारे बॉडी में हार्मोन्स को मैनेज करती है उसी प्रकार से प्रेरणा प्यूष जो हमारे अच्छे गुण हैं वो हमारे लिए उस पीयूष ग्रंथि की तरह हमारे लिए प्रेरणा हमको इंस्पायर करने वाले होते हैं ऐसे गुणों को अपना कर हम भी महान बन सकते हैं तो पहला इवेंट इसमें दिया है कर्तव्य कर्तव्य मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेले में सब खिलौनों ले रहे थे तब तो नरेंद्र नामक एक लड़के ने दो रुपए का एक शिवलिंग खरीदा अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा क्यों रो रहा है लड़के ने कहा मेरे पास एक चवन्नी थी कहीं गिर गई अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी जो नरेंद्र नाम का एक लड़का मेले में से खिलौने खरीद रहा था और उसके पास उसने दो रुपए का एक शिवलिंग लिया और उसके पास में चवन्नी बची तो उसने मेले में देखा कि एक बच्चा रो रहा था तो उसने लड़के से कहा कि तुम क्यों रो रहे हो तो लड़के ने बताया कि मेरे पास एक चवन्नी थी और वो कहीं गिर गई है तो अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी कोई बात नहीं यह लो चवन्नी नरेंद्र ने बोला कोई बात नहीं यह लो चवन्नी नरेंद्र के पास जो चवन्नी बची थी उसने उस बच्चे को दे दी कह कर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था नरेंद्र कुछ आगे ही बढ़ा उस बच्चे को चावनी देने के बाद में कि उसको सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी और एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था बेखबर मतलब उसको पता नहीं था उसका ध्यान ही नहीं था नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया झपट कर मतलब एकदम से जाके उसको खींच लिया एक पल की देरी होती तो वो बालक मोटर के नीचे आ जाता कि थोड़ी सी भी एक पल मतलब एक सेकंड की भी देरी होती तो बालक उस मोटर के नीचे आ जाता इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया और वो जो नरेंद्र ने दो रुपये में शिवलिंग खरीदा था तो वो जब बच्चे को बचा रहा था तो उसके हाथ में से वो शिवलिंग छूट गिर गया और टूट गया इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा बेचारे का नुकसान हो गया कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया इसने कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग चाव से मतलब कितने खुद एकदम इच्छा से ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा इससे क्या इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है नरेंद्र ने कहा इससे क्या इस बालक की जान बचाना मेरा पहला फर्ज है मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानवता सबसे ऊपर है कि जो वस्तु है उससे भी जो उससे भी जो व्यक्ति है जो इंसान है उसका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानवता सबसे ऊपर है कि हमारे इंसानियत ही सबसे ऊपर है इस दुनिया में इंसानियत से कीमती कुछ भी नहीं है बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद से नाम से प्रसिद्ध हुए कि बचपन से ही ऐसे ख्याल ऐसे विचार रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए नियम सबके लिए कि जो नियम होते हैं जो रूल रेगुलेशन होते वो सभी लोगों के लिए एक समान होने चाहिए या होते बात सन अठारह सौ अठारह की है पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह मतलब फंक्शन हो रहा था प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे स्वयं सेवक का मतलब है कि जो अपनी इच्छा से ड्यूटी लेता है या अपनी इच्छा से, से काम करने जाता है बिना किसी उसके बदले में कोई पैसे लिए वो अपनी इच्छा से किसी भी जगह सेवा करने के लिए जाता है उसको बोलते हैं स्वयं सेवक और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जो भी सभा में जो भी समारोह में आए उनसे निमंत्रण पत्र देकर उनको उनके यथास्थान पर बिठा दे उनको उनके प्लेस पे बिठा दे उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे उसके जो चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट कौन थे महादेव गोविंद रानडे जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की जैसे ही मुख्य अतिथि द्वार पर पहुंचे तो विद्यालय के गेट पर गए तो स्वयंसेवक ने उन्हें रोक दिया और शालीनता पर्व में एकदम पोलाइटली रोक के उनसे निमंत्रण पत्र की मांग की उनसे इनविटेशन लेटर मांगा बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है रान्डे ने कहा कि मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश ना कर सकेंगे तो स्वयं सेवक ने कहा आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था उसने एकदम पोलाइटली एकदम सीधे सरल भाव में उनको ये उत्तर दे दिया द्वार पर आने देखो देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे जब द्वार पर जो मुख्य अतिथि दरवाजे पर मुख्य अतिथि रानडे दे को देखकर वहाँ स्वागत समिति जो गेस्ट का स्वागत करने वाले थे वहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए सदस्य मतलब मेंबर्स और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा स्वयं सेवक ने कहा कि श्रीमान मेरे कार्य में यदि कि मैं जो काम कर रहा उसमें स्वागत समिति के ही लोग रोड़ा मतलब मेरे, मेरे काम को रोकेंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा तो मैं अपना जो फ़र्ज है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कैसे निभाऊँगा उसको कैसे पूरा करूँगा कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी कि कोई भी अतिथि हो फिर वो चीफ गेस्ट हो चाहे कोई दूसरा अतिथि हो सबके पास में इनविटेशन लेटर होना चाहिए भेदभाव की नीति कि ये चीफ गेस्ट है ये नॉर्मल गेस्ट है या ऐसे ही तो ये वाला जो दोनों में फर्क करने की जो नीति है वो मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी बढ़ती मतलब मैं उसको नहीं मानूंगा, एक लोगों के साथ में मैं भेदभाव नहीं करूंगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की अगली घटना हम देखेंगे कि सफलता का रहस्य सफलता मतलब सक्सेस और रहस्य मतलब मिस्ट्री। अंडर फोर्टीन क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था अंडर फोर्टीन की चौदह साल से छोटे जो बच्चों की एक टीम थी उसके साथ में जो कप्तान है उसका जो क्रिकेट टीम का कप्तान है वो अहमदाबाद क्रिकेट खेलने के लिए आया था उसकी टीम फाइव स्टार होटल में ठहरी थी उसकी टीम फाइव स्टार होटल में रुकी हुई थी सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्फाहार के लिए तैयार थी एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था अल्फाहार मतलब ब्रेकफास्ट उसका कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था टीम का उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई वह पर वह नहीं मिला बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था कि जब सब ढूंढ रहे थे तो कहीं नहीं मिला फिर किसी ने उनको उनकी कमरे की गैलरी से देखा तो एक हाथ से गेंद दीवार पे फेंक रहा था और जब गेंद रिटर्न दीवार से टकरा के फिर से आ रही थी तो उसको बल्ले से मार रहा था बैट से मार रहा था और इस प्रकार वो उसे खेल रहा था साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा जिसके जो साथी खिलाड़ी थे अंडर फोर्टीन टीम के वो टीम में सिर्फ शामिल होकर ही वो सेटिस्फाइड हो गए थे कि बस हम टीम में शामिल है तो उसमें ही बहुत खुश थे लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा फिर वो कप्तान होने के बावजूद भी पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए उसका अभ्यास अभ्यास ना प्रैक्टिस और क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कि क्रिकेट के प्रति जो उनका लगाव था वो देखकर कोच मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए सभी एकदम सरप्राइज हो गए एकदम बहुत चक्के हो गए और लगाव का मीनिंग होता है कि अटैचमेंट उससे उनको जो अटैचमेंट था कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना है आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की अद्वितीय मतलब उन ऐसा और कोई सफलता इस तरह की नहीं प्राप्त कर सका कई विश्व रिकॉर्ड उनके कदम छूमने लगे किसी ने उनकी सफलता के रहस्य से पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच तीन बार खेलता हूँ किसी ने उनकी सक्सेस का जो मिस्ट्री वो पूछा कि आप इतने सक्सेस कैसे हो तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि मैं हर मैच तीन बार खेलता हूँ पहले अभ्यास के रूप में दूसरी बार सचपुट मैदान में, में तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में कि पहले मैं प्रैक्टिस करता था दूसरी बार मैं सही में जो मैदान में मैच खेला जाता है और उसके बाद में जो मैंने मिस्टेक्स किए उसका मूल्यांकन और उसका सुधार करने के लिए उसमें सुधार करने के लिए मैं तीसरी बार मैच खेलता हूँ ये लड़का कोई और नहीं क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कृति कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है सचमुच एकाग्रता अविरल अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है एकाग्रता कि एकदम किसी काम पे पूरी तरह से फोकस करके उस काम को करना अविरल अभ्यास कंटिन्यू प्रैक्टिस कठोर परिश्रम हार्डवर्क और लगन उस काम को करने की एकदम इच्छा ये सफलता के आधार है अब हम एक और घटना देखेंगे प्रामाणिकता एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जाँच करने गए हजरत अली राज के जो राजा के राज्य का खजाना था उसकी जाँच करने गए उसको चेक करने गए काम करते करते अंधेरा हो गया और वो काम कर रहे थे खजाने में सब देख रहे थे हिसाब कर रहे थे तब तक अंधेरा हो गया मोमबत्ती जलाई गई और उन्होंने मोमबत्ती जलाई थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए और थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने पर्सनल काम के लिए उनके पास में आए हज़रत अली उन्होंने बैठने के लिए कहा हिसाब की जांच पड़ताल पूरी पूरी हुई और वो जो उन्होंने सरदार को बैठने को बोला और जो हिसाब कर रहे थे उसकी जांच पड़ताल जो अकाउंट थे उसकी उसकी जो, जो चेक कर रहे थे वो पूरा हुआ हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज़ के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी और हज़रत अली ने जो मोमबत्ती उन्होंने जलाई थी वो बुझा दी और दूसरी ट्रहर में से निकाल कर जला दी सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझा कर दूसरी क्यों जलाई यह सरदार ना समझ सके सरदार ने जब देखा कि हज़रत अली ने मोमबत्ती जो जली जली हुई थी या जल रही थी उसको बुझा दी और नई मोमबत्ती उसमें से ढॉर में से निकाल के जलाई तो जो सरदार उनसे मिलने आए थे वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अली ने ऐसा क्यों कहा कि जो करा जो मोमबत्ती ऑलरेडी जल रही थी उसको बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती निकाल के जलाई वो नहीं समझ पाए एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हज़रत अली से पूछा एकदम पोलाइटली उसने हज़रत अली से पूछा हजरत अली बोले भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था इसलिए राजकाज की मोमबत्ती जला रखी थी हजरत अली बोले बोले कि भाई अभी तक तो मैं राजकाज जो राजा का खजाना और राज्य का जो काम है वो कर रहा था इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई थी पर अभी निजी काम शुरू हुआ है इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी है पर अभी मेरा निजी मेरा पर्सनल काम शुरू हुआ है तो अभी मैंने मेरी मोमबत्ती जला दी है नहीं तो मैं चोर या हराम खोर कहलाता कि नहीं तो मैं चोर कि जो राज्य का काम करने के बाद राज्य की मोमबत्ती से ही अपना काम कर रहा हूँ अपना निजी काम कर रहा हूँ तो मैं चोर या हराम खोर हराम खोर का मीनिंग होता है? हराम का खाने वाला अपने बिना जो उसका नहीं है उसको खाने वाला जिस पर खुद का हक ना हो उसको खाने वाले को बोलते हैं हराम खोर हर एक आदमी की को चोरी और हराम खोरी से बचकर चलना चाहिए चाहे वह अमीर हो या फकीर देखने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है पर है बड़े महत्व की अब हम आज़ाद हो गए हैं राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो कि अब तो हम आज़ाद हो गए पहले राज्य होते थे राजा होते थे अभी हम अभी सिर्फ सरकार होती है गवर्नमेंट होती है तो देखने में तो बात बहुत छोटी सी लगती है पर ये बहुत महत्व की है हम आजाद हो गए हैं राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो लोग इस तरह से प्रामाणिकता प्रामाणिकता होती है कि, कि किसी भी चीज का मूल्यांकन किया जाए या किसी भी चीज में कि वो प्रामाणिक हो अपने सच की प्रामाणिकता के वो एक कसौटी पर खड़ा उठ जैसे हम सोने को सोने की सही जांच करने के लिए उसको एक कसौटी पे घिस के देखते कि सोना प्योर है या नहीं तो प्रामाणिकता इंसान अपनी कसौटी पे अपने ही नियमों को मानने वाला और सही काम करने वाला ही इंसान प्रामाणिकता पर खरा उतरेगा हमारे पुरखों ने कहा है माँ क्रुद्ध कस्य विद धनम माँ कस्य विद धनम किसी के धनमाल की, की लालसा मत करो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने क्या है पुरखों ने कहा है कि कभी भी किसी के धन की लालसा मत करो किसी और के धन का लालच मत करो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है अब हम शब्दार्थ देखेंगे नुकसान का है? मतलब हानि ख्याल मतलब विचार स्वयंसेवक अपने आप अप सेवा करने वाला नियुक्त काम पर लगाया हुआ कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी प्रयास प्रयत्न सदस्य सभासद भेदभाव व्यवहार में अंतर प्रसिद्ध मतलब विख्यात अल्पाहार अल्पाह नाश्ता ब्रेकफास्ट रहस्य गुप्त भेद मिश्र खजाना धन भंडार खजाना ना ट्रेजर राज जांच मतलब परीक्षण हरामखोर मतलब हराम का माल आने वाला अमीर मतलब धनवान पुरखा मतलब पूर्वज तो अब हमारा ये चैप्टर नंबर टू कंप्लीट होता है तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा